हमारे यहाँ गर्मियों की ज्यादातर सब्जियां बेलदार पौधों पे उगती हैं। अब मेरी कोशिश ये होती है कि ये सब्जियां मैं जमीन पे फैलाने की बजाय वर्टिकली ग्रो करूं, किसी दीवार के सहारे, बांसों के साथ नेट लगा के, या जिस भी तरह से इनको ऊपर चढ़ाया जा सकता है। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि मेरे तजुर्बे में वर्टिकल गार्डनिंग के क्या क्या फायदे हैं, ख़ास तौर से गर्मियों की सब्जियों के हवाले से। हमारे यहाँ बरसात जो जुलाई और अगस्त के महीने हैं ख़ास तौर पे, इनमें बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, और अगर बारिशें होती रहें और पौधे हमने ज़मीन पे फैला के वो बेलें लगाई हुई हैं, तो उससे पौधों को और उन पे लगे हुए फल को, सब्जियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो मेरे नज़दीक सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर हम इन बेलों को किसी सहारे से ऊपर की तरफ चढ़ा देते हैं, तो पौधे भी गलने सड़ने से बच जाते हैं और उनके ऊपर लगा हुआ फल और सब्जियां वो भी गलने सड़ने से महफूज हो जाती हैं, और हमें एक रेगुलर सप्लाई सब्जियों की मानसून की सख्त बारिशों के दौरान भी मिल सकती है। दूसरा बड़ा फायदा तो वाजे ही है कि जितना ज़्यादा हम अपने पौधों को, बेलों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, उतना ही हमारे पास जो ज़मीन, जो महदूद से ऐसा रकबा हमें मैसर है, उस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां लगा सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा सकेंगे जो कि बेलदार हैं। जब वो ऊपर की तरफ जाती हैं, वो सब्जियां तो जैसे घिया तोरी है, ये तो 30 फुट 40 फुट तक भी फैल सकती है, तो अगर हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो इसका फैलाव ज़्यादा से ज़्यादा भी 3 4 फुट हो सकता है, और ये ऊपर की तरफ जाके तो ऊपर की तरफ फैलती जाएंगी और हमारे लिए जगह बच जाएगी हमारे गार्डन में, और हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा सकेंगे। तो दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि हम वर्टिकल गार्डनिंग से जगह बचा सकते हैं और कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं। जब हम ज़्यादा पौधे लगाते हैं और किस्म किस्म अनवाव अकसाम के खुराक पैदा करने वाले पौधे लगाएंगे, तो जाहिर है कि हमारे गार्डन में बायोडायवर्सिटी होगी, और बायोडायवर्सिटी भी इस तरह की कि उसमें हमें तरह तरह की चीज़ें खाने को मिलेंगी। इसके अलावा एक दूसरी किस्म की बायोडायवर्सिटी भी है कि जितने ज़्यादा हमारी बेलें ऊपर की तरफ जाएंगी और हमारे गार्डन में किस्म किस्म के पौधे लगे हुए होंगे, तो एक ऑर्गेनिक गार्डन में परिंदे और दूसरे जानदार वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और परिंदे तो आके हमारे गार्डन में अपने लिए घोंसले भी बना सकते हैं, जिससे कि जाहिर है कि एक बायोडायवर्सिटी में इजाफा होता है, जो कि हमारे इकोसिस्टम के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो तीसरा बड़ा फायदा हमारे लिए ये है कि जब हम वर्टिकल गार्डनिंग करते हैं तो बायोडायवर्सिटी में इजाफा होता है। जब हमारे पौधे ज़मीन पर फैले हुए नहीं हैं,
तो जाहिर है कि हमें सब्जी भी फल भी इस तरह का मिलेगा कि जो गलने सड़ने से महफूज रहता है। और जाहिर है कि जब उसमें नुकसान और लॉसेस कम से कम होंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि हमारी जो हमारे गार्डन की मजमूई पैदावार है उसमें इजाफा हो जाएगा। तो ये वर्टिकल गार्डनिंग का मेरे नज़दीक एक चौथा बड़ा फायदा है। वर्टिकल गार्डनिंग का एक बहुत ही अहम फायदा ये भी है कि जब बेलें लटक रही हैं तो उनके दरमियान से एयर सर्कुलेशन, जो उनके अंदर हवा की गर्दिश है, वो बहुत आसानी से ज़मीन पे पड़ी हुई बेलों के मुकाबले में एयर सर्कुलेशन बहुत बेहतर होती है, जिसकी वजह से के पौधे सेहतमंद रहते हैं और ज़्यादा नमी की वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं, नमी और हवा की ज़्यादा सर्कुलेशन, मुनासिब सर्कुलेशन ना होने की वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं उनके खतरात भी कम हो जाते हैं। और इसके अलावा एयर सर्कुलेशन के साथ साथ जो धूप है, सूरज की शुआएं हैं, वो हर तरफ पौधों के को मिल जाती हैं और जिसकी वजह से वो ज़्यादा बेहतर तरीके से फलते फूलते हैं और ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं। तो ये एक पांचवा फायदा है वर्टिकल गार्डनिंग का। वर्टिकल गार्डनिंग के नतीजे में जो बेलें फैली हुई होती हैं, ऊपर गई हुई होती हैं, वो इस तरह लगने लगता है जैसे कि कोई जानदार जिंदा दीवारें पौधों की खड़ी हो गई हैं। तो ये तो हम सारे ही जानते हैं कि पौधे हमारी हवा को साफ करते हैं और वो हमारे लिए भी, हम इंसानों के लिए भी एक बहुत ही बेहतर माहौल पैदा करते हैं। इसके अलावा पौधे ये खासियत भी रखते हैं कि हवा में अगर कोई जर्र रसा केमिकल्स मौजूद हैं तो वो उनकी काफ़ी मिकदार को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। तो वर्टिकल गार्डनिंग का एक फ़ायदा, बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका होम गार्डन एक ऐसी जगह बन जाता है कि जहाँ आसपास के इलाके के मुकाबले में हवा की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाती है और बहुत ही अच्छी सेहत बख्श फिजा बन जाती है। तो ये तो मेरे नज़दीक वर्टिकल गार्डनिंग का एक छठा बड़ा फायदा है। ये बात तो हम सारी जानते हैं कि जब हम किसी बाग में दाखिल होते हैं, वहाँ जाके बैठते हैं, तो हमें एक बड़ा पुरसुकून सा, ठंडा सा माहौल वहाँ पे मिलता है। तो वो उसी वजह से है कि पौधों के अंदर ये खासियत मौजूद है कि वो हम जो माहौल के अंदर गर्मी है उसको काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। और बाज़ स्टडीज़ तो ये कहती हैं कि वो आसपास के की गर्मी के मुकाबले में वहाँ 5 डिग्री तक टेम्परेचर कम हो जाता है। और हमारे जैसे लोग जो लाहौर जैसे शहर में रहते हैं और जहाँ गर्मी बहुत शदीद होती है, तो वहाँ तो इन चीज़ों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस सातवें फायदे को हासिल करने के लिए हमें वर्टिकल गार्डनिंग की तरफ ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। वर्टिकल गार्डनिंग का आठवां फायदा ये है कि
पौधे अपने अंदर बहुत सारे शोर को भी जज्ब कर लेते हैं। तो मतलब यह है कि अगर हम वर्टिकल गार्डन्स बनाते हैं और हमारे पास बेलों की दीवारों की दीवारें हैं, तो ये एक तरह से हमारे लिए एक शील्ड बन जाती है नॉइज़ पोल्यूशन से बचने के लिए। तो ये भी हम देखें कि आजकल माहौलियाती आलूदगी के दौर में हमारे लिए ये कितना बड़ा फायदा हो सकता है। नवा बड़ा फायदा ये है कि जब हम वर्टिकल गार्डनिंग करते हैं तो हमें जमीन पे बैठ के देर तक काम नहीं करना पड़ता, हमें झुक के अपने आप को अपनी कमर को दोहरा करके और कमर को थका देने वाला काम नहीं करना पड़ता, बल्कि हम खड़े होके बड़े आराम से इत्मीनान के साथ अपना ज़्यादातर काम ये कर सकते हैं। और दसवां फायदा तो हम सारे जानते ही हैं कि जितनी अनवाओ इकसाम के कि बेलें पौधे हमारे गार्डन में लगे हुए होंगे और उनमें तरह तरह के फूल होंगे, रंग होंगे और सब्जा होगा, तो हर तरफ हमें हुस्न ही हुस्न दिखाई देगा जो कि हमारी आंखों की ताजगी का बायस बनता है। और ये जब हम ऐसे माहौल में जाते हैं तो हमारे अंदर उदासी, परेशानी, एंजाइटी उसमें भी खातिरखा कमी हो जाती है। तो मेरे नज़दीक ये 10 बड़े फायदे हैं जो वर्टिकली पौधों को ग्रो करने के हैं। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप भी इनसे फायदा उठाएंगे।